सुरभि का सवाल है, इन्होंने एंजल वन के शेयर ले रखे हैं, ब्रोकिंग शेयर्स चल रहे हैं इसलिए इन्होंने ले रखे हैं, 1730 का भाव है इनका, क्या करना चाहिए इनको एंजल वन में? देखिए सर, अगर 1730 के भाव पे लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 100% की रिटर्न दे चुका है। यहाँ पे अगर आप पार्शियल प्रॉफिट करते हैं, यानी कि 50% अपनी पोजीशन को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो जो बाकी बचा हुआ इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका एकदम रिस्क फ्री हो जाएगा और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको और भी अच्छे रिटर्न दे सकता है। ऑल्दो इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई सर एक और कंपनी है जहां पे अच्छा पोटेंशियल नजर आता है, जिसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिखाई है, बट मुझे लगता है आने वाले समय में जोरदार तेजी वहां पे देखने को मिल सकती है। आपकी इजाजत हो तो मैं रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। हाँ दीजिए ना सर। इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है जिसका नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड, जो कि 1830 रुपए के आसपास काम कर रही है। मुझे लगता है यहाँ पे आने वाले दिनों में अगर मीडियम टर्म की अवधि देखें तो यहाँ पे 2000 प्लस के लेवल्स जो है वो टारगेट की तरह बन के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1770 रुपए का रखना होगा। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है और जिस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस आई है डेली चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है कि एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है स्टॉक। मेरा मानना है अपनी जो एंजल वन की जो आपकी पोजीशन है उसको पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और इसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ से बहुत जोरदार तेजी आपको देखने को मिल सकती है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड के अंदर।